हेलो गाइस, व्हाट्स अप, इट्स मी आयुष बैक विद अनदर वीडियो। और आप देख रहे हैं तो सरकारी गेमर। यार तो यार, जब मैंने अभी ये क्या कहते हैं इंट्रो वाली वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने इंट्रो बनाना सिखाया था, तो यार वो जो इंट्रो था वो या तो MKV फॉर्मेट में बनता था या तो वेब एम में बनता था। अब भाई दिक्कत क्या है कि कोई भी एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर होता है वो MKV फॉर्मेट या वेब एम फॉर्मेट नहीं लेता है, उसे MP4 ही चाहिए होता है। और सर बताऊँ तो भाई, मैं भी ये बताना भूल गया था कि वीडियो कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो यार ये छोटी सी एक वीडियो है जिसमें मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ कैसे तुम भी MKV से MP4 में कर सकते हो। यार बहुत इजी है, बच्चा भी कर लेगा ये मेरी वीडियो देखने के बाद। तो यार समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, वीडियो शुरू। हाँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है आपके VLC मीडिया प्लेयर पे। अगर नहीं है तो भाई क्रोम पे जाओ और उस पर सर्च करो VLC मीडिया प्लेयर, मेरा लिखा हुआ है। VLC मीडिया प्लेयर पे जाके पहले वाले लिंक पे क्लिक कर दो और उसके बाद डाउनलोड VLC पे क्लिक कर दो, ठीक है। इस पे करने के बाद अपने आप यहाँ पे तुम्हारा डाउनलोड शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे डाउनलोड अपने आप शुरू हो जाएगा। मेरा हो गया, इसे मैं ज़रा कैंसिल कर दूँ। शिट, मेरा तो डाउनलोड हो गया, सॉरी। तो हो जाएगा, तो इसके बाद भाई उसको इंस्टॉल कर लेना। भाई इंस्टॉल करना मेरे ख्याल से मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग भाई बड़े हो गए हो, अब इतना आना चाहिए खुद से, तब भी दिखा देता हूँ। VLC मीडिया प्लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पे पहुँच जाओगे सेटअप पे। सेटअप पे नेक्स्ट करना है और एड रिमूव री इंस्टॉल कंपोनेंट्स, इस पर तुम्हें नहीं करना है क्योंकि मेरा पहले से इंस्टॉल है, ये मैं दिखा रहा हूँ, तुम्हारे में दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे जितने भी सब है सब पे क्लिक कर देना है, कोई भी छोड़ना नहीं है। डिलीट प्रेफरेंसेस छोड़ के और सब कुछ तुम्हें क्लिक कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। अपने आप पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने देना भाई से, इंस्टॉलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ही पता है। तो इंस्टॉल होने देते हैं। तो गाइज यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, अब हम क्लिक करेंगे कंप्लीटिंग VLC मीडिया सेटअप के बाद फिनिश पे। करते ही आपका VLC मीडिया प्लेयर खुल जाएगा और खुलने के बाद आपको क्लिक कर देना है मीडिया पे। मीडिया पे क्लिक, एक सेकंड ज़रा मैं जूम कर लूँ। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको कर देना है क्लिक अपने, कहाँ गया, कन्वर्ट एंड सेव पे, ठीक है। इसके बाद आप इस पेज पे पहुँच जाओगे। इस पेज पे आने के बाद आपको ऐड पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको वाली वीडियो ढूंढनी है ना जो आपने इंट्रो बनाया था। कई लोग वीडियो भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं भाई, मेरे को एक बंदे का DM आया और कह रहा है भाई वीडियो मैंने बना तो ली है पर अब ढूंढ मिलेगी कहाँ से। तो भाई मैं बताता हूँ कहाँ से मिलेगी। इसके लिए भाई एक आइडिया ये है, सॉरी वो ज़रा थोड़ा दिक्कत हो रही थी इसमें। तो एक आइडिया ये है कि आप जा सकते हो अपने गूगल पे और गूगल पे जाने के बाद आपको जाना है डाउनलोड पे। इधर जो आपने वीडियो बनाई होगी ना वो वीडियो यहाँ पे वो शो कर लेगा, समझ रहे हो ना, यहाँ पे वो दिखाने लगेगा कि आपकी वीडियो कौन सी थी। तो यार मेरी वीडियो यही है शायद से, मुझे खुद याद नहीं है, एक बार देख लेते हैं। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं और क्रोम को हटा देते हैं, इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सबसे अच्छा और इजी यही रहेगा। इसके बाद हम कर देंगे कन्वर्ट एंड सेव पे क्लिक। इसके बाद हम ये देख रहे हो ना ये H.264 वाला, इस पे क्लिक कर देना है MP4 से, ठीक है। इधर लिखा हुआ है MP4, MP4 पे क्लिक कर देना है और इसके बाद डेस्टिनेशन फाइल, आपको इसे कहाँ पे डालना है वो डाल देना है। तो मैं अभी वीडियोज़ में डाल देता हूँ, ठीक है। तो वीडियोस में डालने के लिए फाइल नेम जो बनाना है ना, पहले फाइल नेम बना लो, फाइल नेम बनाना इंपॉर्टेंट है। तो इधर मैं लिख लूँगा इंट्रो और इंट्रो के बाद डॉट ला के लिख देना भाई पक्का करके MP4, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैंने बहुत कोशिश करी थी पहले, बहुत टाइम लग गया था, मैंने 3 बार वीडियो डिलीट कर चुका था भाई मैं ये, क्योंकि यार मैं MP4 लिखना भूल जा रहा था। ये मैंने बहुत ही ढूंढा तब मेरे को पता चला। इंट्रो के बाद MP4 लिख देना, फिर सेव पे क्लिक करके स्टार्ट कर देना। यहाँ पे वीडियो रन होगी, ठीक है। वीडियो को रन होने देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का मतलब है कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है, अब हम अपने फाइल्स पे जाके देखते हैं। Is it gone?
देखा अभी। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कन्वर्ट योर वी एल सी मीडिया फाइल इन एम पी फोर, क्वाइट ईजी, कोई भी कर लेगा भाई ये। और एक और बात है, अगर भाई उससे तुम नहीं कर पा रहे हो तो ओ बी एस स्टूडियो से कर लेना, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। मैं दिखा देता हूँ मेरा ओ बी एस चल रहा है। ओ बी एस वैसे भाई उन्हीं लोगों के पास होता है जो रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग करते हैं, करना हो तो डाउनलोड तो कर लो भाई। अगर तुम यूट्यूबर हो गेमिंग वाले तो भाई तुम्हारे बहुत काम आएगा ये ओ बी एस। सबसे अच्छा मेरे ख्याल से बैंडिंग है, अगर यूज़ करते हो उससे अच्छा तो बहुत ज़्यादा है ये ओ बी एस। ठीक है, ओ बी एस भी बता देता हूँ। इस पर आपको जाना है फाइल पे हेयर, एंड उसके बाद रिमक्स रिकॉर्डिंग पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ओ बी एस रिकॉर्डिंग ढूंढ लेना जो कोई सी मिले। मेरे को जैसे ये वाली करनी है, ये भी मेरी उसी में एफ एल वी में, इसको ओपन करके यहाँ पे ये आ जाएगा, इसके बाद रिमक्स कर देना है। यहाँ पे ये रिमक्स हो चुका है। अब जब एक बार रिमक्स हो जाए तो भाई बस तुम अपना वहाँ चला के देख लेना। अच्छी लगी ना, मुझे पता अच्छी लगी होगी। लगी हो तो भाई लाइक कर लेना, नहीं लगी हो तो मुझे कमेंट बताना मैंने क्या गलती करी है, फिर मैं उसे बेटर करूँगा। और साथ साथ मैं आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, बाय।